ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ www.avpsanja.in ਤੇ। कहीं ना कहीं लैकिंग हम तीनों डिपार्टमेंट में रहे हैं। मैं कहूंगा कि एक खराब क्रिकेट खेले, काफी खराब क्रिकेट खेले। वीरू की फॉर्म क्या थोड़ी चिंता का विषय बनी हुई है टीम के लिए। हमारे जो और बल्लेबाज भी हैं सारे ही ड्यू हैं। सब लोगों ने बात की, सबको कहीं ना कहीं वो एक ठेस पहुंची है। ये देखिए, हर मैच हम जीतने के हौसले से ही जाते हैं। किंग्स इलेवन पंजाब के कोच संजय बांगड़ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। संजय, जिस तरह से टीम ने अभी तक परफॉर्म किया है, कहा जा सकता है अंडररेटेड परफॉर्मेंस रही है, क्या कहना चाहेंगे टीम की परफॉर्मेंस के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल, अब तक हमने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जितनी हमें उम्मीद थी और उसी के कारणवश हम अपने आप को टेबल के बॉटम में पाते हैं। मगर पूरी उम्मीद है कि और हमारी तैयारियाँ अच्छी चल रही हैं कि यहाँ से भी हम अच्छा एक कमबैक करेंगे और जिस तरह की क्रिकेट हमने पिछले साल खेली उस तरह से क्रिकेट दोबारा आज के मैच से मोहाली के ग्राउंड से शुरुआत करेंगे। मोहाली के ग्राउंड पर अगर लास्ट सीजन की बात की जाए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, लगता है कि इस बार फॉर्च्यून्स चेंज होंगे, उसी मैदान पर कहीं ना कहीं टीम के लिए दोबारा से अच्छा साबित होगा मोहाली का मैदान। ये देखिए, हर टीम चाहती है कि अपने घरेलू ग्राउंड में खेले और मतलब इतना 6 मैचेस होने के बाद हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ के लोगों ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है और यहाँ की कंडीशन से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है, तो ज़रूर एक बहुत अच्छी साइन है कि हम दोबारा ऐसे फेज़ में यहाँ पर शुरुआत करेंगे जब टीम को जीत की सख्त ज़रूरत है। टीम में इस वक्त सबसे बड़ी वीकनेस क्या नज़र आ रही है आपको? देखिए, जब भी अगर कोई मैच हारती है तो उसका जो दारोमदार होता है, जिम्मा होता है, वो तीनों डिपार्टमेंट पे होता है। कहीं ना कहीं लैकिंग हम तीनों डिपार्टमेंट में रहे हैं। मगर ज़्यादा जिस पहले हम कहा जा रहा था कि अब हमारी बॉलिंग इतनी वीक है, बट मेरे ख्याल से बॉलिंग का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। अब बल्लेबाजी ज़रूर ही अपने अपेक्षा अनुरूप हुई नहीं है अभी तक और पूरी मतलब जिस तरह की एबिलिटी है इस टीम में, जिस तरह का टैलेंट है, जिस तरह की प्रतिभा है, आप ज़रूर ही देखेंगे कि दोबारा से बल्लेबाजों की तरफ से एक शानदार प्रदर्शन आप उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं। वीरू की फॉर्म क्या थोड़ी चिंता का विषय बनी हुई है टीम के लिए या लगता है कि वो कमबैक करेंगे जल्दी? देखिए, वीरू और अलग हमारे जो और बल्लेबाज भी हैं सारे ही ड्यू हैं और हम बस वेट कर रहे हैं कि मतलब कब जो उनकी प्रतिभा है वो परफॉर्मेंस में तब्दील हो। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि काफ़ी सारे बैट्समैन हमारे परफॉर्मेंस करने के लिए काफ़ी ईगर है, तो ज़रूर ही टीम के लिए बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अब क्या लगता है आज के मैच में जीतेगी पंजाब या नहीं? देखिए, हर मैच हम जीतने के हौसले से ही जाते हैं और इस मैच में भी हम उसी हौसले से उतरेंगे और तैयारी अच्छी हो चुकी है। हालांकि पिछला मैच हमने 25 तारीख को खेला था और बीच में ट्रैवल होने के कारण बहुत लंबा ट्रैवल था तो हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, मगर उसके बावजूद हम पूरे हौसले के साथ उतरेंगे और आज के मैच को जीतने के सोच से ही उतरेंगे। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, क्या उससे थोड़े हौसले गिर गए हैं टीम के या वहाँ से टीम ने खुद को संभाल लिया और आज फिर से अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार है टीम? नहीं देखिए, हार जीत तो होती रहती गेम में, मगर जिस तरह से पिछले मैच में हम हारे वो मैं कहूँगा कि एक ख़राब क्रिकेट खेले, काफ़ी ख़राब क्रिकेट खेले। हमने उसके बारे में बातचीत भी करी हमारे टीम मीटिंग में और सभी को बहुत चोट पहुँची है क्योंकि इस तरह का परफॉर्मेंस किंग्स इलेवन से उम्मीद नहीं रखते हमारे जो चाहने वाले हैं, तो वही सब लोगों ने बात की, सबको कहीं ना कहीं वो एक ठेस पहुंची है और मुझे लगता है कि आज जो आप देखेंगे परफॉर्मेंस वो बेहतर ही होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे संजय बांगड़, और संजय का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पंजाब की टीम कम बैक करके दिखाए IPL आठ में। परवेज संधू, AVP न्यूज़, चंडीगढ़। कहीं ना कहीं लैकिंग हम तीनों डिपार्टमेंट में रहे हैं। मैं कहूंगा कि एक खराब क्रिकेट खेले, काफी खराब क्रिकेट खेले। वीरू की फॉर्म क्या थोड़ी चिंता का विषय बनी हुई है टीम के लिए? हमारे जो और बल्लेबाज भी हैं सारे ही ड्यू हैं,
सब लोगों ने बात की, सबको कहीं ना कहीं वो एक ठेस पहुंची है। ये देखिए हर मैच हम जीतने के हौसले से ही जाते हैं। हुण एबीपी सांझा तुहाडे स्मार्टफोन्स विच एंड्रॉइड यूजर्स प्ले स्टोर विच अते एप्पल यूजर्स ऐप स्टोर विच जाके एबीपी लाइव टाइप करो। एबीपी दे आइकन नू सिलेक्ट करो, ऐप नू इंस्टॉल करो, फिर इस ऐप विचों एबीपी न्यूज़ पंजाबी नू सिलेक्ट करो। इस तरह पंजाबी विच जानो पल पल दीआं न्यूज़ अपडेट्स। तां हुण चलदे फिरदे किते वी कोई वी खबर जाननी होवे तां डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप अते सिलेक्ट करो एबीपी न्यूज़ पंजाबी।